हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गैन एंड टॉबी शो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट्स शेयर किए थे, कुछ रीजंस शेयर किए थे कि क्यों आपको इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करना चाहिए, बट आज इस वीडियो में मैं सिर्फ एक टॉपिक है जिसको पकड़ के आपको बताने वाली हूँ, जो कि सबसे मेन रीज़न है, एंड वो रीज़न है बजट बजट बजट। लेट बी ऑनेस्ट, सबको ऐसा लगता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करना इज़ लाइक लग्जरी, या फिर होम ओनर्स को या लोगों को लगता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करने का मतलब है अपने पैसे को आग में डाल देना। बट आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। आई फील कि पैसे में आग लगाने जैसा तो नहीं है इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करना। आप जब डिज़ाइनर हायर करते हो वो आपके पैसे को बचाता है, यस, वो आपके पैसे को बचाता है, वो आपके पैसे को इनफेक्ट और ग्रो कर सकता है। पूछेंगे कैसे? से फॉर एग्जांपल, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मुझे ऑफिस आना होता है। अब मैं ये सोचूं कि मैं ही सुबह उठ के मैं ही नाश्ता भी बना लूँ, मैं फूडिंग भी कर लूँ, ये कर लूँ, फिर मैं ऑफिस भी चल जाऊँ, पॉसिबल नहीं। तो मैं क्या करूँगी, मैं कुक हायर करूँगी भाई, जिसका जो काम है वो करे, मेरा टाइम बचा ताकि मैं और चीज़ों में फोकस कर पाऊँ। सेम लाइक लोग DIY एंड बहुत सी यू नो एक्सेसरीज, बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें वो ले आते हैं, उनका नया घर होता है, वो कितने एक्साइटेड होता है और काफ़ी चीज़ें ले आते हैं, काफ़ी चीज़ें प्लान कर लेते हैं, जो कि मे बी इन 130-140% वो शायद ज़रूरत भी नहीं है, बट उन्हें कैसे बताइए जी। और फिर जब वो डिज़ाइनर हायर करते हैं तब डिज़ाइनर उन्हें बताता है कि सर ये चीज़ इसके साथ चलेगी बट ये नहीं। तो थैंक गॉड कि जिन्होंने नहीं परचेज करी है उसने, उन्होंने सिर्फ प्लान करा और फिर वो डिज़ाइनर हायर करते हैं, तो इंटीरियर डिज़ाइनर उनको हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनकी यू नो प्रेजेंट में जो लॉस होने वाली है या इन फ्यूचर जो एक्सपेंस जाने वाला है वो लॉस होने से बचाते हैं। यू नो कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ प्रीसियस, और आप वर्किंग हैं, आप वर्किंग नहीं भी, आप हाउस वाइफ हैं, तो हर इंसान चाहता है कि अगर टाइम है तो हम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करें, टाइम है तो हम घूमें, टाइम है तो हम ये चीज़ों में और ध्यान दें और ग्रो करना है। यार टाइम कम, यू नो टाइम, लोग कहते हैं यार टाइम कम है, करना तो बहुत कुछ है। और ऐसे में आप ये प्लान कर रहे हो कि नहीं ये हमारा नया घर है, ये है इसकी इंटीरियर, अरे हम खुद कर लेंगे, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। अब काउंटलेस चीज़ें हैं, कितना शॉपिंग, कितनी मार्केटिंग कितना कर लोगे आप? वो टाइल्स देखनी है आपको, फर्नीचर देखना है, लाइटनिंग देखनी है, पेंट का कलर देखना है, लाइक इतना एग्जॉस्ट होने के बाद अगर आउटपुट वैसा ना आए जैसा होना चाहिए, कॉम्बिनेशन नहीं सही बैठा, तो 3-4 महीने 6 महीने डिप्रेशन कहीं नहीं गया कि ओके मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, मेरी एनर्जी भी गई, मेरा पैसा तो गया ही नहीं। बट आप इंटीरियर डिज़ाइनर हायर कर दो, आप उसको अपनी सारी चीज़ें बताते हो, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, एंड आपका हेडक उसके ऊपर, आपको कुछ नहीं करना। एक डिज़ाइनर हायर करने का जो सबसे पहला और बेस्ट यू नो मुझे बेनिफिट लगता है कि आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा लगने वाला है, मेरा ये ब्लैंक एरिया है और ये कुछ ऐसा लगने वाला है, कुछ क्या, ये 99% ऐसा होने वाला है, और आप चाहो तो नहीं ये चीज़ यहाँ नहीं, ये कलर नहीं, आप ना चेंजेस करा सकते हो। और बेस्ट थिंग कि आप देख पा रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा कुछ लगने वाला है, बट अगर आप अपने एंड से करते हो आप कैसे ये चीज़ कर लोगे, या आप अपने पार्टनर को, आप अपने बच्चों को ना किसी से डिस्कस कर रहे हो कि ये मेरा रूम है, मैं ऐसे डिज़ाइन करूँगी, मैं ना ऐसे यहाँ पर ये रखूँगी, वो भी बोलेगा हाँ, बट वो गेस नहीं कर पा रहा, यू नो कि वो कैसे इमेजिन करेगा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। ऑल्सो जो इस फील्ड में 5 साल से है, 10 साल से, 15 साल से, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, आप चाहे 10 दिन 15 दिन जितना भी रिसर्च मार लो, आप उससे तो कंपेयर ऑब्वियसली नहीं कर सकते। आप जो रिसर्च करके आप 1 महीने से 2 महीने से वो चीज़ कर रहे हो, आपने ये चीज़ ढूंढी, डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर तो यूँ आपको टिप पे चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि उसका वो काम है, उस चीज़ के लिए ट्रेन किया गया है, उसका माइंडसेट वैसा है, वो चीज़ों को यूँ यूँ कैच कर सकता है। अगर बताओ कि मेरी मैं ऐसा सोच रहा हूँ ऐसा, वो बोल देगा ये सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, या फिर नहीं सर यहाँ पे अगर होगा ना तो ये चीज़ लॉस होगा, मैं आपके बेटरमेंट के लिए बता रहा हूँ। तो कॉस्ट सेविंग तो आपकी यहाँ हो रही है, गाइडेंस मिल रही है आपको,
जब आप एक इंटीरियर डिजाइनर हायर करते हो, आपके साथ ऐसे तीन मेजर ऐसे चीज हैं जो जिसका हेड आपके ऊपर नहीं होता, डिजाइन, मटेरियल सिलेक्शन एंड एग्जीक्यूशन। आप अपने एंड पे कितनी ये चीजें कर पाओगे? आई डोंट थिंक सो कि ये चीज पॉसिबल है, बट एक इंटीरियर डिजाइनर कर सकता है। वो आपको बेस्ट से बेस्ट आपके बजट में बेस्ट से बेस्ट डिजाइन आपको दिखा सकता है। आपको आपके बजट को देखते हुए आपको मटेरियल चार पांच ऑप्शन आपको दिखा सकता है कि सर आप ये देखिए, आप थोड़ा रेंज बढ़ाएंगे तो आपको ये बेस्ट मिल सकता है। आप नहीं सर, आप बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट ऑब्वियसली नहीं अवेयर है, तो वो तो चाहते हैं कि मैं बेस्ट से बेस्ट मेरे घर में हो, एंड फिर वो अपना बजट भी हाई एकदम कि ये हाँ सोफा इतने का, ये चीज़। फिर डिजाइनर से जब मिलता है जब, तो डिजाइनर बताता है कि नहीं सर ये चीज़ तो इतने में भी हो जाएगी, तो वहाँ आपका कॉस्ट बच रहा है, वहाँ आपकी पैसे बच रहे हैं। तो ऑल ऑफ द एंड बात यही है कि आपका टाइम बच रहा है, विच इज द मेजर थिंग एंड बेस्ट थिंग, क्योंकि आज हर कोई वर्किंग है, किसी पे इतना आई डोंट थिंक टाइम होता है कि वो इतनी अपना टाइम लगाए प्लस एनर्जी लगाए। आप धूप में मार्केट कर रहे हो, आप यू नो इट्स नॉट अबाउट कि आपको जाके मार्केटिंग करनी है, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपको फर्नीचर देखना है, आपको ये देखना है कि कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है या नहीं। बात यही है कि एक इंटीरियर डिजाइनर आपके बजट में डिजाइन कर सकता है। आप कुछ नहीं तो कंसल्टेंसी ले सकते हो। अगर आप हमारा ऑफिस विजिट करना चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में आप कंसल्टेंसी लो, जिसमें हमें कोई इशू नहीं है। एंड ऑल्सो अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही है, डिज़ाइन पसंद आ रहा है, सर्विस पसंद आ रहा है, आप हमसे सर्विस लो, नहीं तो आप कहीं और भी देखो। बट वही जो बात मैं हमेशा कहती हूँ कि कंसल्टेंसी से आपका स्टेप वन कम्प्लीट हो जाता है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, आपको पता है कि ओके मुझे ये चीज़ें चाहिए। फिर आप देखना स्टार्ट कर देते हो कि कौन से मेरे बजट में है, कौन बेस्ट है। तो गाइस आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारी नॉलेज भरी बातें आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो प्लीज़ द गैलेंट ऑबी शो को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।